पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता के साथ साथ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे जनार्दन गहलोत का निधन हो गया। जनार्दन सिंह गहलोत और उनका परिवार मूल रूप से झुंझुनू के सूरजगढ़ का रहने वाला है। उनका पैतृक मकान और चाचा वगैरह का परिवार आज भी सूरजगढ़ ही रहता है। जनार्दन सिंह गहलोत का न केवल जन्म सूरजगढ़ में हुआ बल्कि बचपन भी सूरजगढ़ में बीता, साथ ही साथ प्रारंभिक पढ़ाई भी सूरजगढ़ में हुई, जिसके कारण आज भी बहुत सारे दोस्त उन्हें याद करते हैं और उनके निधन के समाचार सुनकर शोक में डूब गए। परिवार में चचेरे भाई घनश्याम सिंह ने बताया कि सूरजगढ़ के राजपूत कॉलोनी में आज भी जनार्दन सिंह गहलोत का पैतृक मकान है। वहीं उनका बचपन सूरजगढ़ में ही बीता। उनके पिता बिसाऊ ठिकाने के ठिकानेदार रघुवीर सिंह के सुरक्षा सेवा में थे। जब ठिकानेदार रघुवीर सिंह जयपुर चले गए तो वे जनार्दन सिंह के पिता मान सिंह गहलोत को भी अपने साथ जयपुर ले गए। तब जनार्दन सिंह गहलोत भी अपने माता पिता के साथ जयपुर चले गए। उनके दोस्त सत्यनारायण गोगावत ने बताया कि वे अक्सर उनसे मिलने के लिए जयपुर जाया करते थे। वे भी सूरजगढ़ या झुंझुनू आते तो यारों से मिलने के लिए आते। सूरजगढ़ में हुए कुछ साल पहले विधानसभा उपचुनाव में काफ़ी दिनों तक जनार्दन सिंह गहलोत सूरजगढ़ रहे थे। आपको बता दें कि जनार्दन गहलोत इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष रह चुके थे। जनार्दन सिंह गहलोत ने कांग्रेस पार्टी से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। गहलोत 3 बार करौली से और 1 बार जयपुर से विधायक रहे थे। जनार्दन सिंह गहलोत ने संजय गांधी से बेहद नज़दीकी रिश्ते थे। वे कांग्रेस शासन में 1 बार खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे। बाद में बीच में उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान वे राजस्थान भंडारण निगम के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन गत लोकसभा चुनाव में वे पूर्व में वापस कांग्रेस में लौट आए थे। 5 अक्टूबर 1944 को जन्मे जनार्दन सिंह गहलोत का खेलों के प्रति काफ़ी रुझाव था और झुंझुनू के साथ साथ खेल जगत से भी लगातार जुड़े रहे थे। 30 साल तक भारतीय कबड्डी संघ के अध्यक्ष रहे थे। बड़े दुख की बात, वो मेरे भाई थे, चचेरे भाई थे, हमारे पिताजी वगैरह 3 भाई थे, तीसरे चचा के लड़के अकेले ही थे। ये बहुत इन्होंने उन्नति की, यहीं के रहने वाले थे, यहीं उन्होंने बचपन बिताया था और यहीं उन्होंने स्टडी की थी, पढ़ाई की थी। उसके बाद चाचा जी के साथ जयपुर गए और वहाँ जा कर के भी इन्होंने अपना करिश्मा दिखाया। हमारा और इस गांव का इन्होंने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करने की तमन्ना भी थी। हर समय सहयोग देते रहते थे, मिलते रहते थे। इनके दोस्त, इनके मित्र, इनके भाई सब इनके पीछे घूर रहते थे। जब ये यहाँ आते थे तो एक मेला सा लग जाता था। आज इनके जाने से हमारे परिवार को ही नहीं, पूरे गांव को बहुत बड़ी क्षति हुई है। जिन्होंने इंडिया लेवल में पहुंचकर खेल के प्रति इन्होंने बहुत कुछ किया है और समाज और परिवार को भी आगे बढ़ाया है। इससे हमें बहुत भारी दुख है, इसको हम भुला नहीं पाएंगे। मैं इनका छोटा भाई हूँ, ये हमारे चाचा जी के लड़के थे, अकेले ही थे, बाकी हमारे पिताजी वगैरह 3 भाई थे, उनमें से एक के पुत्र ये। वो मेरे खास आदमी थे, अब समझते यहाँ मेरे साथ साथ में पढ़े थे, साथ में रहे थे, बचपन उनका यहीं गुजार था। फिर यहाँ से उन्होंने जयपुर प्रस्थान कर दिया, उनके पिताजी ने, तो जयपुर चले गए, जयपुर रहे, वहाँ जयपुर ही पढ़े लिखे, फिर वो अपने पॉलिटिक्स में चले गए। और अब पॉलिटिक्स में जाने के बाद में मेरे में उनके खूब मतलब संबंध रहे हैं। ये तो बड़े दुख की बात है कि वो चले गए। मैं कभी मतलब उनको कोई काम होता तो वो करते, जब भी मैं जाता तो वो करते। काम भी इन्होंने यहाँ था, मतलब उद्योग में अध्यक्ष रहे, तो उद्योग का उन्होंने वो खोला, सेंटर खोला उद्योग के लिए। उन्होंने यहाँ बुला के उनका स्वागत भी किया गया था। हाँ, वो ऐसे संपर्क करते रहे, आते जाते रहे। लाइन बाई इलेक्शन था, उसमें भी वो आए थे, यहाँ रुके थे।